हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रिमर को रिपेयर कैसे करते हैं यह देखेंगे। ये हमारे पास एक ट्रिमर है जिसको हमने पहले से इसका ऊपर का कवर है खोल दिया है। और इस ट्रिमर के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बैटरी बैकअप बिल्कुल नए के बराबर है। जैसे इसको चार्ज करते हैं एक मिनट भी नहीं चलती, उसके बाद इसकी बैटरी बैकअप बैटरी डाउन हो जाती है, यानी कि ट्रिमर काम नहीं करता। और जो इसके अंदर जो बैटरी है वो साइज की हमको बैटरी मिली नहीं, इसका हम दूसरा कोई जुगाड़ लगा के इसको ऑन करेंगे। ये इधर इसमें जो बैटरी चार्ज करने के लिए इनपुट पावर सप्लाई देते 220 वोल्ट, ये इसकी वायर है जो साथ में मिली थी। ये कनेक्टर इधर कनेक्ट हो जाती है इजीली, ये खोल रखी इसलिए आगे निकल गई, ये यहाँ कनेक्ट हो जाती थी और इसको सॉकेट में लगा के हम चार्ज करते थे। तो अभी ये चार्जिंग प्रॉब्लम है, इसमें चार्ज नहीं हो रही है। इसको खोल लेते हैं, ऊपर का कवर खोल लिया था और इधर ये स्विच निकाल दिया था हमने, तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सर्किट है, यानी कि पावर सप्लाई इधर से 220 वोल्ट इनपुट है लेता है और ये आगे जो सर्किट है ये 3 वोल्ट आउटपुट देता है। इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 वोल्ट आउटपुट है इसकी। और बैटरी की जो बैटरी है ये 400 mAh की बैटरी है और 1.2 वोल्ट की है, ये 1.2 वोल्ट DC बैटरी है। तो इस बैटरी में प्रॉब्लम ये इस साइज की हमको बैटरी मिली नहीं, इसलिए हम इसको निकाल देंगे अभी। तो इधर से ये इसमें एक मोटर लगी रहती है छोटी सी, ये छोटे साइज की एक मोटर रहती है जो इसको यहाँ से मूव करवाती है, इसी से ये घूमती है। ये घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे होगा। और जो ये जो दाते हैं इसके अंदर यहीं से हमारी जो वो कटिंग होती है सेविंग वगैरह करते हैं, तो यही चीज़ है जो कट करती है। तो हम इसको अभी ये निकाल देते हैं इसका किट। सबसे पहले इसकी जो वायर है वो हटा लेते हैं। ये फ्रेंड्स, जो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की वायर थी मोटर से हमने हटा दी और ये किट को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये किट है इसका, ये इधर बैटरी लगी रहती है काफी छोटे साइज की है। स्टैंडर्ड चार्ज है इसका 15 आवर्स 8, इसको 15 आवर तक चार्ज करेंगे 40 mA। ये सर्किट हमने निकाल लिया, इसमें इनपुट पावर सप्लाई आती है 220 वोल्ट और 220 को ये 3 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है, ये बैटरी इसकी। और इधर जो वायर थी ये हमने यहाँ से इसको हटाया, वायर को दो वायर लगी हुई थी अंदर में, ये इधर तो वो वायर यहाँ कनेक्ट थी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वायर, तो इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमको क्या करना है कि मोटर इसके अंदर रखनी है और इसको एक डायरेक्ट ऑन करेंगे मोटर को। उसके लिए हमारे पास कोई भी मोबाइल चार्जर होगा, कोई भी स्पेयर चार्जर मोबाइल चार्जर जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हो वो वाला चार्जर ले लेंगे। और इसकी जो चार्जर है इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट AC और आउटपुट वोल्ट है 3 वोल्ट, इसके आउटपुट वोल्ट 3 वोल्ट है। तो इसके कनेक्शन हम डायरेक्ट इसके साथ कर देंगे। इस चार्जर की जो वायर है वो काफ़ी छोटी, इसके लिए हम दूसरी वायर का एक टुकड़ा ले लेते हैं और डायरेक्ट मोटर के साथ इधर कनेक्ट कर देंगे। इधर से इसको यहाँ लगा देंगे इसको, और ये मोटर है इसको
ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाली वायर, वाइट कलर की वायर जो है वो पॉजिटिव है, उसको इधर ट्विस्ट करके हम सोल्डिंग कर देंगे। ये नेगेटिव वाली वायर इधर कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये हमने कनेक्शन कर दिया, इसके अब सोल्डिंग कर लेंगे। ये वायर को हमने नेगेटिव 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 के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ इधर सोल्डिंग कर दिया है। और अब इसकी हमको ये वाली किट की जरूरत नहीं है, इसको हम बाहर ही रखते हैं और इसको लगा देते हैं, अभी फिटिंग कर देते हैं। ये इसका कवर हमने ऊपर से लगा दिया है और इधर स्विच जो था वो इसी के साथ अटैचमेंट रहता है, इसलिए इसमें जो स्विच था वो हम निकाल दिया। इसके साथ यहाँ एक स्विच वाली जो पत्ती है इसको टच करती थी तो ऑन होती है, और उसको ऐसे इसमें कनेक्शन नहीं करते, तो डायरेक्ट जैसे ही हम चार्जर को सॉकेट में लगा के ऑन करेंगे तो ट्रिमर ऑन हो जाएगा। और ये लाइव है, मतलब जब तक इसको पावर दे के रखेंगे चलता रहेगा, और पावर से जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे स्विच को तो ये बंद हो जाएगा, इसमें बैकअप नहीं रहेगा। ये बस काम चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अभी ये चार्जर के साथ जो वायर हमने कनेक्ट की है, चार्जर की वायर है, इसके साथ लगा करके ये मोबाइल चार्जर के साथ इसके कनेक्शन हमने कर दिए। जो वायर कनेक्ट की थी इधर उसका ज्वाइंट कर दिया पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अब हम इसको चार्जर को सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करते ही जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही ये मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी, यानी कि हमारा ट्रिमर प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी ट्रिमर सही वर्किंग पे है, हमने चार्जर को लगाया। इसको क्या है कि हम एक जगह खड़े होके ऐसे चार्जर को लगाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा ट्रिमर वर्क करना शुरू कर देगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।